कृष्णा, गजब हो गया, तुम्हारे पिताजी को सब मालूम हो गया। मैं जानती हूँ, पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? हाँ। क्यों? ये मैं नहीं जानती। आइए मेरे साथ घर चलिए। हाँ, आज मेरा जन्मदिन है ना। ओ। बड़े बाबू बुला रहे हैं। इधर बाबू। यहाँ आओ, आओ बैठो बैठो। तो तुम पंडित बद्रीनाथ की लड़की हो? जी पंडित जी, न्याय शास्त्र के बड़े पर शहर में रहता हूँ, इसलिए गांव की बातें जरा कम जानता हूँ। जी हाँ, जहाँ तक मुझे पता चला है, ये बात तो पक्की है कि अगर तुम्हारे साथ मेरी लड़की के ब्याह की बातचीत की जाए तो तुम दोनों को कोई इतराज नहीं हो सकता। अच्छा, मैं खुद ये रिश्ता तजवीज करता हूँ। कुछ कहना है? देखिए, दुनिया में सिवाय छोटी बहन के मेरा और कोई नहीं। उसने आपकी लड़की को देखा है और जिस दिन से देखा है उन्हें वो बहुत चाहती है, दिल से प्यार करती है। उसे जब मालूम होगा कि उसकी भाभी बनेगी और हमारे घर में आके रहेंगी तो उसे बहुत खुशी होगी। हाँ, ये सुनकर मुझे खुशी हुई कि तुम्हारी बहन मेरी लड़की को इतना प्यार करती है। लेकिन हाँ, रहने सहने के बारे में ये है कि ब्याह के बाद कृष्णा तुम्हारे घर जाकर नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हें हमारे घर में आकर रहना होगा। वो क्यों? इसलिए कि मेरी लड़की बड़े लाड प्यार से पली है, हमेशा धन दौलत से खेलती रही है, और तुम्हारी माली हालत ऐसी नहीं जिससे मैं ये समझूं कि मेरी लड़की तुम्हारे यहाँ जाकर सुखी रहेगी। तो आपका ये ख्याल है कि इसमें कोई बेइज्जती नहीं? कुछ नहीं, हर ऊंचे घराने में यही होता है। तो आपका ये मतलब है कि मैं और मेरी बहन दोनों आपके यहाँ आकर रहें? नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। कोई सारे कुंभे को साथ लेकर नहीं आता। तुम्हारी बहन तुम्हारे किसी रिश्तेदार के यहाँ जाकर रहे। ओ, और मैं आपके दौलत खाने में आकर रहूं? हाँ हाँ, यहाँ की हर चीज तुम्हारी होगी। ठीक है, लेकिन सुनिए, शादी हो या ना हो, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि वो शख्स जो मुझे इस किस्म का वैश्याना मसला दे कि मैं तो रहूं ऊंचे ऊंचे महलों में और मेरी बहन किसी और जगह रहे, काश के ऐसे आदमी से मेरी मुलाकात ना होती। रमेश बाबू, और ये भी सुन लीजिए, जितने आप लोग अमीर हैं उतने दिल के छोटे भी हैं। रमेश, आपने जो कुछ कहा उसके लिए मैं आपकी लड़की को कोई दोष नहीं देता। हाँ, अगर किसी दिन इस काबिल हूंगा कि आपकी लड़की के लिए एक अच्छा सा घर बना सकूं तो जरूर हाजिर हूंगा, लेकिन इस वक्त एक मिनट के लिए मैं ऐसी जगह ठहरने को तैयार नहीं हूं जहां की मेरी बहन को मुझसे जुदा करने का ख्याल तक भी किया जाए। यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी हाँ, मेरा ये आखिरी फैसला है। मिलन को जाना,
हाँ पिया मिलन को जाना, जग की लाज मन की मौज दोनों को निभाना, पिया मिलन को जाना, हाँ पिया मिलन को जाना। काटे बिथरा के चलू, पानी ढलका के चलू, काटे बिथरा के चलू, पानी ढलका के चलू, सुख के लिए देख रखूं, सुख के लिए देख रखूं, पहले दुख उठाना, पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना। पायल को बाद के, पायल को बाद के युक्ति चुगनान के, पायल को बाद के धीरे धीरे दबे दबे पाँव को बढ़ाना, पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना। बुझे दिए अंधेरी रात आँखों पर दोनों हाथ, बुझे दिए अंधेरी रात आँखों पर दोनों हाथ, कैसे कटे कठिन बात, कैसे कटे कठिन बात, चल के आजमाना, पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना, जाना पिया मिलन को जाना, जाना पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना, पिया मिलन।